शिकार मॉल का सेकंड पार्ट है, और ये हम लोग अभी नीचे वाले फ्लोर पे ही हैं और आरब घूम रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है चारों तरफ से, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लग भी रहा है। ये खड़े और आरब आरब को बहुत मज़े आ रहे हैं, सो आरब बताने में लगे हैं क्या है क्या है। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको। अब मैं और आरब ये देखने में लगे इधर उधर, और इन मूवी देखने के बाद अभी मॉल घूमेंगे और फिर घर जाएंगे। तो यही देख रहे और आरब घूम घूम के चारों तरफ से देख रहे कि क्या है ये। तो उसमें डिजाइन बनी वही आरब बता रहे कि ये ऐसा है वैसा है, पूरा बताते हैं आरब। तो मैं भी साथ में सुन रही हूँ आरब के चल चल के। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन बजा लेना। ये देखो पियानो कितना बड़ा रखा है, तो वही देख रहे हैं हम लोग इस साइड आके। सो आप लोग भी देख, बड़ा पियानो। और ये देखो सजावट लाइटिंग से है, मुझे बहुत अच्छी लाइटिंग लगती है, लाइटिंग से पूरा सजा रखा है। और फ्लावर भी रखे हैं इसमें और चारों तरफ से ये देखो। और ये हम लोग सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गए हैं, वहाँ भी ऐसे सजावट कर रखी है फ्लावर से, और वो आते ना जो पन्नी से बने हुए वो, और ये उसी फ्लोरी पे है ना फिश वाला। तो वही यार फिश देख रहे, इसमें बहुत तरीके की फिश डली हैं। वही यार देख रहे कि इसमें कितने तरीके की फिश हैं। तो देखने में लगे बहुत ज़्यादा तरीके से, गोल्डन वाइट हर तरीके। ये देखो कितनी ज़्यादा फिश हैं, आराम उसको टच करके देख रहे हैं। पर बहुत ज़्यादा आराम टच किया तो वो इधर उधर हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा पड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा वाली। तो उसको ठोक ठोक के आराम देख रहे हैं, सो वो इधर उधर हो जा रही है बार बार। अभी वो कह रहे टच ना करो, यही बताने के लिए वो आए थे। ये देखो कितनी बड़ी है वाइट कलर की फिश, कौन सी होती है ये मुझे नहीं पता, पर हैं बहुत तरीके की हैं, क्योंकि इनके सबके अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। और हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा मस्ती की। ये देखो इस वाले में ये है, अलग अलग बने हैं थोड़े थोड़े में, किसी में कोई तरीके की फिश डली, किसी में कोई तरीके की, पर बहुत सारी फिश है और बहुत अच्छी है। जो कानपुर के होंगे ना उनको तो उन्होंने तो सबने देखा होगा जेड स्क्वायर मॉल, बहुत अच्छा है। और फिर देखो कैसे खेलने में लगी हैं। और हम लोगों ने भी बड़े मज़े किए मॉर्निंग में, तो मूवी देख भी और अभी मॉल घूम रहे, सो बहुत अच्छा लग रहा। वो एक छोटा सा बेबी बैठा था उस साइड अपने पापा इस के साथ, साइड आए हैं ये हम तो लोग इस यहाँ साइड आए पे हम अब। लोग आए हैं पिज्जा खाने, और यहाँ तो भी उस साइड भी डेकोरेशन है बहुत अच्छी, और पूरे में ऐसा है ये देखो चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ रेस्टोरेंट, और सब खाने में लगे ये। और ये भी जा रहे हैं वहाँ काउंटर पे बोलने बोलने जाना पड़ता ना, तो फिर वो देते हैं आके, सो काउंटर बोलने गए हैं। और मैं और आरब बैठे हैं यहीं पे, तो बातें कर रहे हो, ये आरब बोल रहे कि मम्मा आपको कैसा लगा जितना घूमा। मैंने कहा मुझे तो अच्छा लगा। आरब मैं कई एक बार गई, आरब अभी गई, लेकिन आरब छोटे थे तब तो आरब को ज़्यादा याद नहीं रहता, और जब अब आरब को कोई चीज़ देखते हैं तो उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं कि ये है ये है। तो अभी हम लोग पिज्जा को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये देखो मॉल है ऊपर ही से दिखा रहे हैं आपको, ऐसा दिखता है बहुत सुंदर दिखता है। और आप लोग भी बता देना कि कैसा लगता है आप लोगों को, और जो कानपुर के हैं वो तो सब देखे हुए हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ से तो थोड़ा दूर पड़ता कानपुर, और 100 किलोमीटर पड़ता है। और ये उसी सेकंड वाले फ्लोर पर देख रहे, ये आरब ऊपरी से देख रहे और ये भी खड़े, और तो बातें करने में लगे हैं, कहीं कुछ पूछते रहते बताते रहते। तो और आरब को लिफ्ट से इस फ्लोर पे उस फ्लोर जाने में बहुत मज़ा आता, तो आरब को कई एक बार जाने का मन होता रहता कुछ काम नहीं हो तो। और अभी मैं इसी पे शॉप है ना बेडशीट की, तो वही देखने आए हैं, तो वही देख रहे देखने के लिए ये इन्होंने बोला उसको, तो उसने कई एक बेडशीट दिखाने के लिए निकाल रहा है, पर मैं तो दूर से ही समझ में मुझे ज़्यादा नहीं आ रही, मुझे अच्छी भी नहीं लगी।
और जो दूसरा है बिग बाज़ार, उसमें बहुत अच्छी होती हैं, तो वहीं से देखेंगे। और ये उसी के पास ही शॉप है, तो वो मॉली में कपड़े बच्चों के, और ये भी बच्चों के, लड़कियों के कपड़े हैं। सो आप भी इंजॉय करो, ये देखो कि या कुछ सामान की, तो वही हम लोग देखते रहे घूम घूम के। और बड़े लोगों के, छोटे बच्चों के, सब तरीके के, और ये भी कार और बच्चों के टेडी वियर, ये सामान रखे हैं। सो ये सब है गाड़ियाँ, तो वही मैं दिखा रही। यहाँ इस वाले में सुपर 99 है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी राखी ये थी, बहुत अच्छी डिजाइन की राखियाँ थी। और ये आप देख रहे कुछ अपने लिए। और तो ये था आज मॉल का टूर, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने कोशिश की है पूरा आपको दिखाऊं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना, और कौन कौन घूम के आया है इस जगह पे वो भी बताना। सभी लोग घूम के आए होंगे कानपुर साइड के जो लोग। सो थैंक यू, मिलती हूँ घर पे। हेलो, आ गई हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अरब भी थक गए, अरब के पैर दर्द होने लगे, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं करते ना, पैदल चलते चलते मॉल में घूमते 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 थक गए, पर मज़ा बहुत आया। और पूरा दिन, आज संडे था, पूरा दिन बहुत मस्ती मुझे में निकला, बहुत अच्छा लगा। और अभी 9 o'clock हो गए नाइट के, तो अभी हम लोग पहुँचे ही हैं बस, और अब लेट गए। और मैंने कहा कि मैं अपना वीडियो को एंड कर देती हूँ, तो आप लोग बताना कि आपको मॉल कैसा लगा। जेड स्क्वायर मॉल था और बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला, और क्योंकि उसी में इधर उधर लिफ्ट से ऊपर नीचे इधर उधर घूमते घूमते मज़े आते हैं, पर थकान तो हो ही जाती है। सो बहुत अच्छा लगा, तो बाय, मिलते हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।